बट अनालिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट टू वीडियोज में हमने बुक वेज अनाउंस करे थे तो पहले जो गिवे वे थी डेट चिप वॉज जो हमने सेमी कंडक्टर और सप्लाई चेन वाली डेट इज यूएस एंड इंडिया वर्सेज चाइना

तो सुजित मोहम्मद अयाज आप दोनों के कमेंट के नीचे हमने रिप्लाई करें एंड जस्ट सेंड एन ईमेल टू अस सो कंग्रेचुलेन्स टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट वरी इस वीडियो में भी हम एक बुक गिव अवे कर रहे हैं जिस बुक का नाम है बुक ऑफ वैल्यू बाय मिस्टर अनुराग शर्मा एंड ये बुक आपको वैल्यूएशन बारे में स्क्रैच से समझाएगी कि कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं विद दिस दिसट स्टार्ट दी एनालिसिस एंड ये जो बुक गिव गिवे का क्वेश्चन है ये वीडियो के कहीं बीच में या टुवर्ड्स दी एंड हो सकता है तो वॉच दी इंटायर वीडियो एंड बीच में आपको मिल सकता है कहीं पे भी ये बुक गिव वे का क्वेश्चन एंड टू पार्टिसिपेट इन द बुक गिव अवे डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ओनली देन यू विल बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर द बुक गिव अवे सो लेट स्टार्ट विद दी एनालिसिस तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट कंपनी की बात करेंगे सो दिस इज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पहले जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होता था ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग में होता था अनसिक्योर्ड लेंडिंग कौन सी होती है विच इज नॉट बैक बाय अ कोलेटरल जहाँ पे आप लोन दे रहे हैं उसका कोई कोलेटरल नहीं है तो माइक्रो फाइनेंस एक example है अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो पर्सनल लोन है वो एक एक्जाम्पल है अनसिक्योर्ड लेंडिंग का तो ये जो बैंक है पहले बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग करता था माइक्रो फाइनेंस में बट 2016-2017 के बाद जब माइक्रो माइक्रोफाइनेस में बहुत सारे क्राइसिस हुई तो इस बैंक ने अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है अनसिक्योर्ड टू तो सिक्योर्ड लेंडिंग लेके जाने लगा सो वट इज द नेम ऑफ द बैंक द नेम ऑफ द बैंक इज एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यहाँ पे अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो आज आपको पता लगेगा कि 82% टू परसेंट ऑफ द लोन्स आर बी आर बींग गिवन एज सिक्योर्ड लोन्स यहाँ पे स्मॉल बिजनेस लोन्स आते हैं जो आपके वन टू फाइव लाख रुपीज तक के लोन होते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए फिर यहाँ पे आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस लोन्स हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है जो माने टेन टू फिफ्टीन लाख रुपीज का टिकट साइज है फिर व्हीकल फाइनेंस लोन है जिसमें यूज कमर्शियल व्हीकल और न्यू कमर्शियल वहीकल है फिर एमएससी फाइनेंस है फिर आपके एन आ जाती है एंड बाकी जो अदर लोन्स है ये आ जाते हैं हम तो इस बैंक की यहां पे अभी क्यों बात करें सिंपल रीजन है कि इस बैंक की अभी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है क्यों डिप्रेस्ड है क्योंकि इनका कॉस्ट टू इनकम बहुत ज्यादा हाई चल रहा है तो बैंक के टर्म में जब भी हम कॉस्ट टू इनकम की बात करते हैं तो हम बात करें कि वो कितना खर्चा कर रहे हैं और वो कितनी इनकम कमा रहे हैं उस खर्चे के बेसिस पे तो जनरली स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ कॉस्ट टू इनकम आपका फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट होना चाहिए क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब वो एनबीएफसी uh, से बैंक में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादातर ओपेक्स बढ़ता है आपका जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं ओपेक्स में क्या क्या होता है बैंक के ब्रांचेस लगाते हैं बैंक तो वो एक ओपेक्स का पार्ट है अगर वो ब्रांचेस के लिए रेंट दे रहे हैं तो वो एक ओपेक्स का पार्ट है पावर कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ ओपेक्स अगर इंप्लाइज आप नए हायर कर रहे हैं और उनको वेजेस दे रहे हैं तो वो एक ओपेक्स का पार्ट है तो यहां पे अगर आप कॉस्ट टू इनकम देखेंगे तो कॉस्ट टू इनकम इस टाइम पे फाइव एट के आसपास आ गए ऐसा क्यों है अगर आप यहां नंबर ऑफ इंप्लाइज देखते हैं तो सेवनटीन थे क्यू टू एफ में जो क्यू टू एफ में ऑलमोस्ट बढ़ के एटी हो गए जो क्यू वन एफ में सेवेंटी थे तो एक क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट वन थाउजेंड इंप्लाइज की हायरिंग हुई है जिसकी वजह से एम्प्लॉई एक्सपेंसिस टू ट्वेंटी फाइव करोड से बढ़ के टू सेवेंटी फाइव करोड तक हो गए तो नियर टर्म में कॉस्ट इश्यूज हैं एंड नियर टर्म में आप इतनी हायरिंग कब करते हैं वेन यूर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ तो दिस इज वाई यहां पे जब ग्रोथ आएगी तो इनकी कॉस्ट टू इनकम कैन कीप फॉलिंग चाहे वो 60 या 62 परसेंट भी हो जाए पर वो जो एडिशनल चार परसेंट का ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा दैट विल स्टार्ट शोइंग अप इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसके बाद जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम पूरे सेक्टर की मैपिंग करते हैं दिस विल हेल्प यू अलॉट बिलीव मी अगर आप बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये टेबल अगर आप पूरे सेक्टर की मैपिंग करना चाहते हैं तो यहां पे आपको एक आइडिया लगेगा कि एच बैंक का जो आज प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है थ्री पॉइंट थ्री एक्स माने बैंक को हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे हमेशा वैल्यू करते हैं फिर एच डी बैंक का जो आर है वो है वन पॉइंट नाइन परसेंट तो ये जस्ट आपको टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे आप सेक्टर को मैप कर सकते हैं कि HDFC बैंक का ROE 1.9 टू 2 के बीच में है ICICI बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है एक्स टू एक्स के बीच में विदाज ROE 2% के आसपास है कोई भी अगर आप बैंक देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जहां पे भी 2% ROE ऊपर है वहां पे एटलीस्ट प्राइस टू बुक मोर देन 3x चल रहा है अगर आप यहां पर आगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है फोर पॉइंट वन एक्स है तो उनका आर ओए वन पॉइंट एट परसेंट के आसपास है बट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी तेजी से ग्रो कर रहा है काफी सालों से सिमिलरली अगर आप आके यहाँ पे एसबीआई का एग्जाम्पल देखते हैं तो एस बी आई का आर ओ ए जीरो पॉइंट नाइन परसेंट है इस वजह से एसबीआई का जो प्राइस टू बुक है वो भी सिर्फ वन पॉइंट फोर एक्स ही रहता है सो दिस इज द डिफरेंस कि अगर आप आर और प्राइस टू बुक वैल्यू को हमेशा मैप करेंगे तो यूल गेट एन आइडिया कि इस सेक्टर में किसी बैंक को क्यों पर्टिकुलर वैल्यूएशन मिल रही है तो आपके अगर आप इक्विटास का एग्जाम्पल देखते हैं तो इक्विटास का जो आर है अभी क्वार्टली uh, तो 1.6 टू 1.8 परसेंट के बीच में चल रहे हैं एंड प्राइस टू बुक अगर आप इक्विटास देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे अगर आप क्योंकि इनका मर्जर हो रहा है होल्डिंग कंपनी से तो होल्डिंग कंपनी में 300 करोड का कैश है विच विल लैड टू द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तो अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू उसको इंक्लूड करके देखते हैं तो 1.3 टू 1.4x वन पॉइंट थ्री टू वन पॉइंट फोर एक्स के बीच मेंसेंट के बीच में, के बीच में जो क्वार्टरली वेरी कर रहे हैं बट यहां पे अगर आप कॉल पढ़ेंगे तो कॉल में जो एमडीएन के उन्होंने बार बार ये चीज बोली है कि जो बिजनेस मॉडल है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का दैट इज टू डिलीवर टू परसेंट आर ओ ए तो अगर टू परसेंट आर ओ ए आ जाते हैं एंड क्योंकि अभी वैल्यूएशन में 1.3 टू वन एक्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया एंड इस आइडिया में अगर आप ये भी देखेंगे रिसेंटली जो क्वार्टरली अपडेट आया था तो क्वार्टरली अपडेट में भी जो डिसबर्समेंट्स एंड एडवांसेस की ग्रोथ थी तो डिस्बर्समेंट्स के अंदर जो ग्रोथ है इस बार ऑलमोस्ट सिक्सटी एट परसेंट की ईर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ट्वेंटी फाइव परसेंट की है ट्वेंटी सेवन परसेंट की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नाइन परसेंट की है कासा इनका ऑलमोस्ट नाइनटीन परसेंट से ग्रो करे इयर ऑन ईयर और कासा रेश्स टू फोर परसेंटेज चल रही है जो ईयर ऑन ईयर एक्चुअली डिक्लाइन करसेंटेज सो बैंक को कैसे कर सकते हैं और, अगर आपको और भी बैंक को डेप्थ देखना है तो हमने आर ओ ए ट्री की वीडियो बनाई थी जो आपको एक पूरा आइडिया देगी कि कैसे ये कॉस्ट के जब लीवर्स एकदम ग्रोथ के साथ घटते जाते हैं सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया ऑफ द डे जो हम सेकंड बिजनेस डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्सो बैंक एंड इस बैंक का क्या नाम है एक्सिस बैंक तो हमने अभी तक आईसीआईसी की बात करी चैनल पे एच डी एफ सी बैंक की हम वीडियो भी बना रहे हैं एंड एक्सिस बैंक की मैं पे आपके साथ बात करूंगा तो एक्सिस बैंक का इस टाइम पे क्या चल रहा है कि सिमिलर टू आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक में ओवर द लास्ट थ्री इयर्स टर्न अराउंड आफ्टर द कमिंग ऑफ न्यू सीईओ एंड यहाँ एक्सिस बैंक के अंदर आप देखते हैं क्या हो रहा है पे कि एक्सिस बैंक की भी जो आर सिंपल चीज है आप ट्रैक कर सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स इज नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा तो आर ओ पे एक्सिस बैंक का टू हो चुका है यस पे एक्सिस बैंक की के आसपास आ चुकी है सो दिस गिवस आइडिया की आज आर ओ ए तो आईसीआईसीआई बैंक और एच डी एफ सी बैंक के लेवल का है एंड तीनों ही पैन पैन इंडिया बैंक तीनों ही बहुत ज्यादा लार्ज बैंक्स हैं एंड आर भी उनके लेवल पे चल रही है आर शायद से थोड़ी सी उनसे ज्यादा भी हो चुकी है यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू क्या चल रहा है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव एक्स के बीच में ट्रेड कर रहे हैं वेरस अगर आप एक्सिस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो लेटेस्ट बुक वैल्यू इनकी जो इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद थी दैट वॉज क्लोज टू फोर एंड अभी जो स्टॉक प्राइस है बैंक का कुछ नाइन टू नाइन के बीच में है। डैट गिव्स यू एन आइडिया कि यहाँ पे अभी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.1 टू 2.2 टाइम्स के बीच में चल रहा है वेराज जो बाकी बैंक्स हैं, उनका 3 टू 3.5 टाइम्स के बीच में चल रहा है फॉर द सिमिलर रिटर्न मेट्रिक्स अगेन एक्सिस बैंक वैल्यूएशन वाइज बहुत रीजनेबल प्राइसिस री रेटिंग नहीं होगी हम सिर्फ ट्रेडिंग मल्टीपल्स पे ये देख सकते हैं कि हम सेक्टर की जब वैल्यूएशन को मैप आउट कर रहे हैं so कि आज ये बैंक सस्ता है या आज ये बैंक महंगा है video, अगर आप करते हैं कि कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं अगर आप स्ट्रगल करते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं एंड अगर आप स्ट्रगल करते हैं अपने खुद के एस और फाइनेंशियल प्लान बनाने में एंड अगर आप फिर भी स्ट्रगल करते हैं एक फिल्टर स्टॉक्स को फिल्टर करने में सो इन एसओ आई सी मेंबरशिप वी हैव डॉट यू ऑल दीज थिंग्स आपको बिजनेस एनालिसिस भी सिखाएंगे आपको साथ साथ कंपनीज uh, के फाइनेंशियल एनालिसिस भी सिखाएंगे कि मार्जिन कैसे देखते हैं कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे देखते हैं एंड साथ साथ कई कंपनी को वैल्यू भी करना सिखाएंगे एंड वैल्यशन के साथ साथ हम इस संडे एक वेबिनार भी कर रहे हैं एसओ आई सी ट्राइव मेंबर्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर है उस पर एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है कि कब कंपनीज भेंहंगी हो जाती है कब कंपनी सस्ती रहती है क्योंकि इस चैनल पे भी जो हम कंपनीज कवर करते हैं काफी बार क्या होता है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चले जाती हैं फिर वहां पे एट द एंड ऑफ द डे आपको से जो सेलिंग डिसीजन है वो लेने पड़ जाते हैं बट सेलिंग डिसीजन आप कैसे लेंगे जब आपको एक कंपनी को वैल्यू करना आएगा सो वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप एंड इसके साथ-साथ हाउ टू फिल्टर अ स्टॉक एंड मेकिंग योर ओन फाइनेंशियल प्लान इज आल्सो पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप तो so, SOIC मेंबरशिप इज अ डिटेल्ड 40 आवर प्रोग्राम

एब्सोल्यूट क्वांटम ऑफ वेल्थ सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक में कमाई थी एंड वो स्टॉक हमने इस चैनल पे कवर कराया तो आपको उस उस लिखना है कॉमेंट सेक्शन में एंड आपको उस बिजनेस में क्या खास हुआ है फाइनेंशियली की सेल्स ग्रोथ और पैड ग्रोथ कितनी आई है लास्ट फाइव टू टेन इयर्स की वो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में एंड द बेस्ट आंसर विल गेट चांस टू विन द बुक बुक ऑफ वैल्यू बाई मिस्टर अनुराग शर्मा नाउ गोइंग बैक टू दीलिसिस तो पे जो मैं थर्ड बिजनेस की बात करूंगा सो दिस इज एन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इस बिजनेस का क्या नाम है एवोल्यूशन गेमिंग तो वैसे ये स्वीडन में लिस्टेड है बट इसका जो एडीआर है वो जो यूएस है वहां पे भी लिस्टेड है तो जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो दिस इज अ टू बी ऑपरेटर फॉर द ऑनलाइन कसिनोज तो जो जितना भी पीछे का टेक्नोलॉजी है जितना भी गेम्स होता है जितना भी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द गेम्स होती है तो सारी जो बैक एंड सर्विसेज है ये डिफरेंट जो कसीनो ऑपरेटर्स है उनको प्रोवाइड करते हैं तो इस बिजनेस का क्या फायदा है एंड जो कसिनो ऑपरेटर्स है इसकी सर्विसेज क्यों लेते हैं क्योंकि इनके पास चार बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं एंड इन्होंने हर कंट्री के जाके जो रेगुलेशन है वहां पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वहां पे उसको क्रैक करे एंड काफी सारी कंट्रीज और काफी सारे काउंटीज या सिटीज में दे आर दी ओनली ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड तो इनके जो कस्टमर्स हैं दो आर कसिनोज एंड किसी कसिनो को अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो ये जो बी टू बी ऑपरेटर सर्विसेज है ये प्रोवाइड करते हैं इस टाइम पे मार्केट में इनके पास मोर देन नाइन्टी मार्केट शेयर है एंड दिस इज अ बिजनेस विच इज वेरी वेरी

तो अगर किसी को अगर किसी को रूलेट खेलनी है किसी को ब्लैक जैक खेलनी है सो दिस इज द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द गेम जो हो रही है एंड जूम कॉल के थ्रू के एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कि आप लाइव कसिनो खेल सकते हैं सो दिस इज द आइडिया एंड यहां पे अगर आप पॉपुलैरिटी ऑफ देयर गेम्स देखते हैं तो अगर आप टॉप फिफ्टी गेम्स देखते हैं वर्ल्ड में जो ऑनलाइन कसिनोज में हैं, तो फोर्टी फोर ऑफ द गेम्स इज प्रोवाइडेड बाई एवोल्यूशन गेमिंग तो आप क्रेजी टाइम देखेंगे तो क्रेजी टाइम में भी पीक यूजर्स इनका ही है इट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑलमोस्ट फिफ्टी में से फोर्टी फोर इज प्रोवाइडेड बाय देम इनका जो एक कम्पिटेटर है प्ले प्लेट कम्स एट ट्वेंटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ गेम्स सेवेंथ पे क्वांटम रोलेट आता है एंड दैट इज बाय प्लेटेक एंड टेंथ में भी प्लेटेक की एक गेम आती है बट इन टॉप फिफ्टी यू कैन सी अगर फोर्टी फोर गेम्स एक ही कंपनी की आ रही है सो डैट गिवस यू एन आइडिया कि उस कंपनी का क्या मार्केट शेयर रहेगा ये तो हमने थोड़ा सा बिजनेस बारे में समझा बिजनेस के अलावा आप क्या बिजनेस के अंदर क्या इनके फाइनेंशियल है? है देखते हैं तो आपको एक और आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ग्रोथ, ग्रोथ आई है इनकी कि इनका जो ईबिटा मार्जिन है वो आज ऑलमोस्ट सिक्सटी के आसपास का है जो इस बिजनेस का रेवेन्यू है वो हंड्रेड मिलियन यूरो का आता था एफ के पहले क्वार्टर में और इस टाइम पे

मोर ओवर अगर आप एक और यहाँ पे फाइनेंशियल का इनका फैक्ट देखते हैं कि वैल्यूएशन वाइज आज बिजनेस कहाँ पे तो बिजनेस की जो आज वैल्यूएशन है 28.6 एट पॉइंट बी पे एक टाइम पे 70 बी मिलती थी पीक पे 2021 में

चोला मंडलम क्यों ना हो मुरु मुरुगप्पा की अगर आप सारी कंपनीज देखेंगे तो वहाँ पे इनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन हुई है सो लिंक टू डैट देयर इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ कार्बोरेंडम यूनिवर्सल एंड इस बिजनेस पे हम लोग एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाले हैं एंड ये ये बिजनेस करता क्या है ये बिजनेस अब्रेजिव बनाता है एंड अब्रेजिव आर एग्जाम्पल्स ऑफ एफ प्रोडक्ट्स आर नो एस फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स कि बार बार इनका बहुत ज्यादा थ्री टू सिक्स मंथस केस पास तो यहाँ पे इनका जो पीयर है बट कार्बोरेडम यूनिवर्सल सिर्फ अब्रेजा का सो देरियल साइंस कंपनी तो इन्होंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च करा थाज लाइट एज अ पेपर एंड नियरली थाउजेंड टाइम्स स्ट्रॉगर दैन स्टील सो ट गि यू एन आइडिया की डैट इज अ अटीरियल विच इज मच स्ट्रॉगर एंड विच इज मच लाइटर देन पेपर एंड उसके जो कमर्शियल हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ने लॉन्च करें इनका जो इस टाइम पे मार्जिन है वो भी डिप्रेस्ड है क्योंकि इनकी जो रशियन सब्सिडी है और जो जर्मन सब्सिडरी है वहां पर जर्मनी में पावर कॉस्ट बहुत बढ़ गया था एंड रशियन सब्सिडी सिर्फ डोमेस्टिकली सेल कर रही है तो क्योंकि जर्मनी की सब्सिडी का इस टाइम पे इंटीग्रेशन चल रहा है इस वजह से मार्जिन नियरली कॉन्ट्रैक्ट करें वैसे इनका मार्जिन परसेंट के रेंज में that, के है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस बिजनेस के अंदर जो मल्टीपल डिविजन है दैट इज इलेक्ट्रोमिनरल्स में ब्राउन फ्यूज एलुमिन और जो वाइट फ्यूज एलुमिन डिफरेंट मटीरियल बनाते हैं सेरेमिक्स में ग्राइंडिंग मीडिया बनाते हैं जो ए आई ए भी बनाते हैं और रिफ्रैक्ट्रीज भी बनाते हैं न्यू एज मटीरियल स्पेशलिटी पॉलिमर्स ग्राफीन और हाई प्योरिटी सिलिकॉन कार्बाइड बनाते हैं दिस इज अनदर बिजनेस डेट यू कैन स्टडी क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में जो गाइडेंस है कि इनको पैट को थ्री एक्स करना है यहाँ से आज का जो इनका पैट है पूरे साल का इसको थ्री एक्स करना है बिजनेस so जो आप पढ़ सकते हैं फोर बिजनेस विच आई एम स्टडी टूडे एंड आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा इन बिजनेस में रिस्क है एंड आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद की कन्विक्शन से पूरा बैठ के पढ़ना पड़ेगा की आप कैसे इनको सोच सकते हैं एंड इफ यू लवीडियो डॉपर लव इट इन दैट सेक्शन लो होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिस Gente.